hello everyone a very warm welcome to all of you welcome to swa education myself radha today we are going to discuss about anti nutritional factor and this lecture will be beneficial for all the aspirant who are going to prepare or who are preparing for fssai exam so let's start with our today's lecture so I'm logo about food processing food preservation food packaging food chemistry and macro micronutrients and food Additives. इतना पोर्शन कवर कर लिया है आज हम लोग टारगेट करेंगे ओवरव्यू ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर एंड देयर रिमूवल फ्रॉम फूड आज हम लोग ये देखेंगे कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होते हैं और उनका फूड से रिमूवल किस तरीके से किया जा सकता है जैसा नाम है एंटी न्यूट्रिशनल एंटी न्यूट्रिशनल सो एंटी मींस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल मींस न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे मीन्स रिड्यूस और मिनिमाइज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम लोग एंटी न्यूट्रिय क्लियर है सो डिफाइन एज प्रेजेंट इन डाइट विच बाई देर मेटाबोलिकल प्रोडक्ट अराइजिंग इन द सिस्टम इंटरफेयर विद द फीड यूटिलाइजेशन रिड्यूस प्रोडक्शन और अफेक्ट द द हेल्थ ऑफ एनिमल यानी कि अगर हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट को एब्सर्व नहीं कर पा रहा है या फिर कम अमाउंट में एब्सर्व कर रहा है तो हमारी हेल्थ को ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा एंड सेकेंड पॉइंट इज दीज एंटी न्यूट्रेटिव सबस्टांस आर ऑफन रेफर्ड टू एज टॉक्सिक फैक्टर यानी कि इन एंटी न्यूट्रिय सबस्टांस को हम लोग एक और नाम से क्या बोल सकते हैं टॉक्सिक फैक्टर्स क्यों क्योंकि ये एनिमल के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट क्रिएट करते हैं जब इनको एनिमल ईट करता है सो so, इसलिए हम लोग इसको टॉक्सिक फैक्टर बोलते हैं क्योंकि टॉक्सिन जैसा काम करेंगे सो टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ नेचुरल ओरिजिन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफेक्ट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है अगर इनका क्लासिफिकेशन किया जाए या फिर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट किस तरीके से एनिमल यूटिलाइज कर रहा है को यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सो इस बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोलें कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होते हैं सो नेचुरल और आर्टिफिशियल कंपाउंड एबजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि वो कंपाउंड नेचुरल भी होंगे आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं सो so, वो नेचुरल और आर्टिफिशियल कंपाउंड जो न्यूट्रिएंट के एबजन के साथ इंटरफेयर करेंगे यानी कि न्यूट्रिएंट के एब्ज्शन को कम कर देंगे बॉडी में उन्हीं को बोलते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर और इन अनदर वर्ड्स एंटी न्यूट्रिय आर प्लांट कंपाउंड प्लांट कंपाउंड मीन्स कैसे होंगे ये नेचुरल दैट रिड्यूस द बॉडी एबिलिटी टू एब्सर्ब असेंशियल न्यूट्रिएंट असेंशियल न्यूट्रिएंट मींस वो न्यूट्रिएंट जो बॉडी सिंथेसाइज़ नहीं कर सकता डाइट के थ्रू जिन्हें कंज्यूम करना पड़ेगा जिनके कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट होगी बॉडी को सो so, उन असेंशियल न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस जो कर देंगे उन्हीं को बोलते हैं एंटी न्यूट्रिएंट और टॉक्सिक फैक्टर्स क्लियर है दे आर नॉट अ मेजर कंसर्न फॉर मोस्ट पीपल कई लोगों के लिए ये मेजर कंसर्न का इश्यू नहीं है बट मे बिकम अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ माल और अमंग पीपल हु बेस देयर डाइट ऑलमोस्ट सोलली ऑन ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स मीन्स तब ये प्रॉब्लम का टॉपिक हो सकता है जब माल न्यूट्रिशन कंडीशन से ऑलरेडी कोई सफर कर रहा हो माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण की कमी जिस इंडिविजुअल में ऑलरेडी है न्यूट्रिशन की कमी जिसमें ऑलरेडी है और अगर एंटी न्यूट्रिय फैक्टर भी वहां पर इफेक्ट कोर्स कर देंगे तब ये सीवियर इशू हो सकता है हावेवर एंटी न्यूट्रिय आर नॉट ऑलवेज बैड हमेशा बैड नहीं होंगे एंटी न्यूट्रिय Under some circumstances, anti nutrient like phytate and tannin may also have some beneficial health effect as well. Next, the most widely studied anti nutrients include, so we will overview because if we in detail, tannin, lactin, this plant physiology and the topic.

ये क्या करता है फाइटेट मिनरल के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगा दिस इंक्लूड आयरन जिंक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम नेक्स्ट टैनिन अ क्लास ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट पोलिफिनोल दैट मे इंपेयर द डाइजेशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिय पर इफेक्ट करेगा मिनरल्स या न्यूट्रिय के डाइजेशन को ढंग से या प्रॉपरली नहीं होने देगा लेक्टीन Found in all food plants, especially in seed, legumes and grain. So lactin ka seeds may legumes may or grains may. Some lactin may be harmful in high amount and interfere with the absorption of nutrient. Next one protease inhibitor. Widely distributed among plants, specially in seed, grain and legumes, and they interfere with protein digestion. बाई इनिबिटिंग डाइजेस्टिव एंज प्रोटीएस नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीएस डिग्रेडेशन करेगी lipase, जैसा की लाइपेज हम लोग पढ़ते ना लिप्ड का डिग्रेडेशन वैसे प्रोटीएस किससे रिलेटेड है प्रोटीन से सो प्रोटीज इनिबिटर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्लांट स्पेशली सीड्स ग्रेन और लिग्यूम्स ये क्या करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के साथ इंटरफेयर करेगी ये कैल्शियम ऑक्सालेट द प्राइमरी फॉर्म ऑफ कैल्शियम इन मैनी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच द कैल्शियम बाउंड टू ऑक्सालेट इज पुअरली अब्सॉर्ब्ड जब कैल्शियम ऑक्सालेट के साथ बाउंड हो जाता है तो इसका अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है नेक्स्ट सो यहां पर ये यह नाम बताए गए हैं कि एंटी न्यूट्रिएंट्स मोस्टली कौन-कौन से होते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं और किस तरीके से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिय का एबजॉर्प्शन रिड्यूस कर देते हैं सो एंटी न्यूट्रिय फाइटिक एसिड फिनोलिक कंपाउंड इंजाम इनहिबिटर, सेपोनिन्स लैक्टीन एंड हीम एगल्यूटीन सो यहां पर ये लिखे हुए कि कौन कौन से एंटी न्यूट्रिय हो सकते हैं पहला है फाइटिक आइस फाइटिक एसिड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयन एंड इनिबिट देयर एब्जॉर्प्शन ये क्या करते हैं मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उनके साथ बाउंड होंगे और इनहिबिट डेयर एब्जॉर्प्शन और उनके एबजॉप्शन को इनहिबिट करेंगे सेकेंड पॉइंट रिड्यूज मिनरल बायो एवेलेबिलिटी मिनरल की अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करेंगे एंड अ की कॉम्पोनेंट ऑफ क्रॉप दैट कोज जिंक डिफिशियंसी जिंक की डिफिशियंसी कोज करवाएंगे फिनोलिक कम्पाउंड ये क्या करेंगे ये भी अमाइनो एसिड की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे लॉस ऑफ बॉडी वेट लॉस ऑफ एपेटाइट मींस डाइजेशन ब्रीदिंग प्रॉब्लम ये सारी ये कॉज करेंगे इंजाइम इनहिबिटर ग्रोथ को रिटार्ड करेंगे और प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी को रिड्यूस करेंगे एग्जाम्पल के लिए प्रोटीएज इनहिबिटर सेपोनिन सेपोनिन क्या करेगा हाई कंसंट्रेशन में अगर है तो ये हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है स्पेशली इंटेस्टाइन रिलेटेड ऑल्सो एफेट द्वेशन ऑफ विटामिन एंडली कहां पर काम करेगा विटामिन ए विटामिन और लिप्ड के एब्जोप्शन को रिड्यूस करने का काम एग्लूटीन ये क्या करते हैं इम्पेयर ग्रोथ हाइपर ट्रॉफी एंड हाइपर प्लेशिया हाइपर ट्रॉफी क्या होगा हाइपर ट्रॉफी हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज का इंक्रीज होना एंड हाइपर प्लेशिया हाइपर प्लेशिया मीन्स में क्या होगा पेनक्रियाज इंक्रीज होगा और हाइपरप्लेशिया में अमाउंट रिड्यूस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ये क्या करेगा न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करेगा नेक्स्ट वन ये इंपॉर्टेंट है ये वाली टेबल क्योंकि इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है कि सोयाबीन के अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है सो so यहाँ पे फीड स्टफ लिखा हुआ एक साइड और एक साइड एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर इनमें कौन सा पाया जाता है वो लिखा हुआ है जैसे सोयाबीन के अंदर ट्रिप्सिन इनिबीटर लैक्टिन ओलिगोसेकेराइड फाइटिक एसिड पाया जाएगा पी यानी मटर के अंदर लैक्टिन टैनिन एंड ओलिगोसेकेराइड रेपसीड मिल के अंदर ग्लूकोसिनोलेट टैनिन एंड फिनोलिक एसिड ये पाया जाएगा लुपिन के अंदर एल्केलोइड्स पाए जाएंगे सनफ्लावर मिल के अंदर टैनिन पाया जाएगा वीट के अंदर फाइटिक एसिड पोलिफिन टैनिन सेपोनिन जैसे आप मोस्टली नाम पढ़ रहे हो ग्लूकोसिनोलेट एंड फाइटिक एसिड एंड टैनिन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जैसा काम करते हैं प्लांट्स में बार्ले के अंदर बीटा ग्लूकेन्स पाया जाएगा सम वाइल्ड एडिबल प्लांट्स के अंदर ऑक्सलेट फाइटेट एंटेन्स ये पाए जाएंगे सो इम्पोर्टेंट टेबल है कि कौन से फीड स्टफ के अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है नेक्स्ट यहां पर भी एक तरफ लिखा हुआ है कि कौन कौन सा फूड होगा उसके अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन सा होगा और प्रोसेसिंग फॉर डिटॉक्सिफिकेशन मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस कर सकते हैं ये लिखा हुआ है जैसे कि ऑयल केक है जिसके अंदर मोल्ड पाया जाएगा इसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम लोग अमोनिया ऐड कर सकते हैं ग्राउंडनट केक में एफ्लाटॉक्सिन पाया जाएगा इसके लिए एड फंगीसाइडल सो ये इंपॉर्टेंट है इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर में राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर में ऑल फीड सेलमोनेला पैलेटिंग ऑफ फीड कर सकते हैं सोयाबीन के अंदर ट्रिप्सिन इनिबिटर पाया जाएगा सोयाबीन से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इनिबिटर पाया जाएगा सो ट्रिप्सिन इनिबिटर पाया जाएगा ट्रिप्सिन इनिबिटर क्या है एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है इसकी डिटॉक्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं ऑटोक्लेविंग के थ्रू फॉर फिफ्टीन प्रेशर फॉर फिफ्टीन मिनट एट वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ऑटोक्लेविंग क्या होता है मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन होता है कास्टर बीन के अंदर रिसिन पाया जाएगा लूसरिन के अंदर सेपोनिन सोरगम के अंदर टैनिन सोयाबीन के अंदर फाइटेट सो इम्पोर्टेंट टेबल है इसको कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑयल केक के अंदर क्या पाया जाएगा सो दिस टेबल यू हैव टू मग अप दिस टेबल बिकॉज इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है इसमें याद करना आपको कि कौन से फूड में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है और उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं नेक्स्ट वन अब ये जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर इनको रिड्यूस कैसे किया जाता है हाउ वी कैन ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम लोग एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को सो फर्स्ट वन इज सोकिंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी कि अगर बीन्स और लेग्यूम्स है अगर उनमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है उनको रिड्यूस करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ओवरनाइट उसको सोक करके रख सकते हैं वाटर में

सो so, जिसकी वजह से क्या होगा जो न्यूट्रिशन फैक्टर हैं फाइटेट हो गया प्रोटीज हो गया प्रोटीज हो 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 गया हो गया हो गया लैक्टिन कैल्शियम ऑक्लेट हो गया तो ये क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे रिड्यूज हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्व हार अगर हम लोगों ने डाल के रख दिया वाटर के अंदर लिग्यूम्स वगैरह को सो रिड्यूज द फाइटेड कॉन्टेंट ऑफ पी बाय अप टू नाइन परसेंट कम हो सकता है ट्वेल्व हार में सिक्स टू एटीन हार में लैक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा थर्टी एट टू फिफ्टी परसेंट का ये ये. डाटा है फैक्चुअल बेस्ड नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिय में डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लिग्यूम्स कि कितना रिडक्शन होगा कितने हार में ये डिपेंड करता है कि कौन सा लिग्यूम्स है इन किडनी बीन सोयाबीन एंड बीन सोकिंग रिड्यूस प्रोटीन इनहिबिटोर ओनली वेरी स्लाइटली Not only in soaking useful for legumes, leafy vegetable can also be soaked to reduce some of their calcium oxalate. यानी जो vegetables हैं उनको भी हम लोग पानी के अंदर डाल के रख देंगे रात भर के लिए तो वो क्या करेंगे जो calcium oxalate anti nutritional factor है उसको minimize कर देगा So overall क्या बोल सकते हैं हम लोग Soaking legumes in water overnight may reduce phytate, protease inhibitor, lactins and tannin. However, the effect depend on the type of legumes and soaking may also decrease oxalate in leafy vegetables yani ki agar hum log overnight water mein legumes vagaira ko rakh denge soak karke to phytate protease inhibitor lactin and tannin ye reduce ho jayenge anti nutritional factor लेकिन depend करता है legumes के ऊपर कि कितना effect होगा. soaking may also decrease oxalate in leafy vegetables next one स्प्राउटिंग स्प्राउटिंग रिड्यूज फाइटेट इन ग्रेन्स एंड लिग्यूम्स एंड में स्लाइटली डिग्रेड लैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स इनहिबिटर स्प्राउटिंग क्या करता है ये फाइटेट को रिड्यूज करेगा ग्रेन्स और लिग्यूम्स में फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन एंड लिग्यूम्स लीड टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फाइटिन एंड लैक्टीन सो हम लोग स्प्राउटिंग कर सकते हैं फर्मेंटेशन कर सकते हैं बॉइलिंग कर सकते हैं तो इन सारे प्रोसेस के थ्रू जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर उसको रिड्यूज किया जाता है सो so, अगर हम लोग समराइज फॉर्म में बोले सो so फाइटेट जो है जो फाइटिक एसिड है अगर इस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को रिड्यूस करना है तो स्प्राउटिंग फर्मेंटेशन सोकिंग इन थ्री मेथड के थ्रू हम लोग इस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को रिड्यूस कर सकते हैं सेम लैक्टिन के साथ बॉइलिंग हीटिंग फर्मेंटेशन टेनिन में बॉइलिंग एंड सोकिंग प्रोटीज इनिबिटर में सोकिंग स्प्राउटिंग एंड बॉइलिंग एंड कैल्शियम ऑक्साइलेट बॉइलिंग सो so, इन सारे मेथड के थ्रू हम लोग इन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को डिक्रीज और मिनिमाइज कर सकते हैं एंटी न्यूट्रिय कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मैनी प्लांट फूड एंटी न्यूट्रिय क्या कर सकते हैं एंटी न्यूट्रिय जो हम लोग प्लांट फूड ले रहे हैं प्लांट से जो फूड ले रहे हैं चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे फ्रूट्स हो चाहे हो उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको रिड्यूस कर सकते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स

आई होप आपका आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होते हैं कौन कौन से फूड में कौन कौन से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाए जाते हैं और किस किस मेथड्स के थ्रू हम लोग एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को रिड्यूस कर सकते हैं फूड से सो थैंक यू सो मच एवरीवन इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज थैंक यू सो मच